संयोग विशेष, ठीक है, वही संयोग विशेष। सामान्यतः संस्कृत की युज धातु से बना है, युज धातु में घञ् प्रत्यय से योग शब्द निष्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ जोड़ना मिलना एक होना या संयोग विशेष है, ठीक है। गणित में भी प्रयोग होता है, आयुर्वेद में भी प्रयोग होता है, विशेष रसायन का योग, ठीक है, दो रसायनों का मेल तो योग, और ज्योतिष में भी प्रयोग होता है, विशेष नक्षत्रों का, ग्रह नक्षत्रों का योग, ठीक है, और बाकी योग विशेष तो है ही है। तो इस प्रकार ये योग का प्रयोग है गणित में, आयुर्वेद में, ज्योतिष में और योग विद्या के रूप में, योग विद्या के रूप में। अब पाणिनीय धातु पाठ के अनुसार इस युज के धातु के चार अर्थ है, युज धातु के चार अर्थ है, ठीक है। युज समाधौ, युज संयमने योगे, युज संप्रचने। अधिकतर लोगों ने तीन ही लिया है, संप्रचने को लिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन पाणिनि धातु पाठ के अनुसार इसके तीन चार अर्थ है। लेकिन आप अभी तक प्रश्न पूछे जाएंगे तो तीन ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार प्रश्न आया उसमें तीन ही लोगों ने राइट बताया है, जबकि ये जो संप्रचने भी है, ठीक है, लेकिन ये संप्रचने याद रखना है। समाधि ही योग है, समाधि को ही योग कहा है इसमें, इसको संयम को योग कहा है, संयम को योग कहा है, और इसमें जोड़ने को योग कहा है, मिलने जोड़ना, इसमें पूजा करने को, सम्यक रूप से उपासना, पूजा उपासना को योग कहा है। इस प्रकार पाणिनि धातु पाठ के अनुसार युज धातु के चार अर्थ होते हैं, युज समाधौ, युज संयमने, युजिर योगे, युज संप्रचने, ठीक है। समाधि के अर्थ में, संयम के अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में, पूजा उपासना के अर्थ में, चार प्रकार के योग हैं, ठीक है। लेकिन मूलतः जो योग है वो समाधि ही योग है, अन्य सब की तुलना में समाधि ही योग है। युज समाधव अर्थ के रूप में ही योग का अर्थ लिया जाता है, युज समाधव, तो समाधि को ही वही योग कहते हैं। योग की अवस्था कब कहलाएगी? जब समाधि आ जाएगी, ठीक है, तो समाधि ही योग है। अब योग की विभिन्न परिभाषाएं, योग की विभिन्न परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा वो है, आप परिचित हैं सब लोग, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। दूसरा है योग समाधि, व्यास भाष्य में महर्षि व्यास कहते हैं समाधि को योग कहते हैं। ठीक है, सांख्य कहता है पुरुष प्रकृति के संयोग के वियोग को, संयोग के वियोग को योग, ये सांख्य कहता है, ठीक है। पहले दोनों योग सूत्र के अनुसार है, एक योग सूत्र महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और दूसरा व्यास भाष्य, तीसरा सांख्य। सांख्य कहता है प्रकृति और पुरुष के संयोग का वियोग ही योग है। तत्पश्चात वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं तदनारंभ आत्मस्ते मनसि शरीर से दुख भाव सहयोग, वैशेषिक में तदनारंभ आत्मस्ते, तदनारंभ आत्मस्ते मनसि शरीर से, मनसि शरीर से मन और शरीर का दुख अभाव,
सुखाभावः सा योगः। यह है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अर्थात आत्मा में स्थित होकर शारीरिक व मानसिक दुखों से रहित हो जाना ही योग कहलाता है। ये वैशेषिक दर्शन का है। तदनारंभा आत्मस्ते मनसि शरीरस्य दुखाभावसा योगः। आत्मा में स्थित होकर मन और शरीर के दुखों से रहित होना ही योग कहलाता है। मैं भेज दूंगा नोट्स, वैसे भेजे वैसे तो लिखने की मत करो, सुनो बस, सुनो ध्यान से, स्मरण करो, दो ही काम करो। नोट्स के लिए लिखने के लिए मत करो, लिखा हुआ सारा है, मिल जाएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, ठीक है। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, संयोगो योग इत्युक्ते जीवात्म परमात्मनः, संयोगो योगो, संयोगो योग इत्युक्ते जीवात्म परमात्मनो, ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा का एक होना ही योग कहलाता है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति में या योग याज्ञवल्क्य में। तत्पश्चात कठोपनिषद में, यदा पंचवातिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्न विचेष्टि तमाम परम गति, और स्थिर इंद्रियाणाम योग, इंद्रियों की स्थिर धारणा को। कठोपनिषद क्या कहता है, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। तत्पश्चात गीता में, गीता में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, दो तीन आप सब, हम सबको पता है, योग कर्म सुकोशलम समत्व योग उच्यते। तत्पश्चात ये वाला तम विद्या दुख संयोग योग योग संगीतम, तीन वैसे पांच छह परिभाषाएं और है, योग भक्ति दुख, हाँ ठीक है, बहुत परिभाषाएं हैं, वो गीता पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, इस प्रकार इसमें वर्णन है। तत्पश्चात महो उपनिषद में है, मन प्रसमनो उपाय योग ये विधीयते, मन प्रसन्नो योग इति विधीयते, प्रश्नोपायो योग इति विधीयते, ठीक है, मन के प्रसन्न का उपाय ही योग कहलाता है। वशिष्ठ मतलब महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित योग वशिष्ठ में है, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं, ठीक है। और योग शिको उपनिषद में जो हठयोग की परिभाषा है उसी में है, सूर्य चंद्रमा से योग हो जीवात्मा परमात्मना, सूर्य और चंद्रमा का योग, परमात्मा और जीवात्मा का संयोग ही योग कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार ये योग की विभिन्न परिभाषाएं हैं, दो तीन परिभाषाएं हैं, एक अग्नि पुराण की, एक स्कंद पुराण की है, वो मैं नोट्स में आपको भेज दूंगा, तो आपको देख लेना, याद रखना, ये मूलतः योग का अर्थ और परिभाषाएं, ठीक है। एक आध परिभाषाएं पूछ लेता है किससे आए, योग की परिभाषा किसके अनुरूप है, इसलिए जितनी परिभाषाएं हैं स्मरण रखना जरूरी है। अब योग का लक्ष्य और उद्देश्य, योग का लक्ष्य और उद्देश्य, आज के परिप्रेक्ष्य का लक्ष्य उद्देश्य सभी को पता है, ठीक है, उसमें चाहे मान मन की शांति ले लो, शारीरिक रोगों की मुक्ति, मानसिक रोगों से मुक्ति, ठीक है, भावनात्मक ये रोगों से मुक्ति, ठीक है, मन की स्थिरता, चित्त की शांति, ये सब। लेकिन मूल जो योग का लक्ष्य है वो क्या है, कैवल्य की प्राप्ति। उद्देश्य भी यही है, किस उद्देश्य के लिए योग अभ्यास करते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, यही सब
मूल उद्देश्य है, लेकिन आधुनिक रूप से उद्देश्य है तो आधुनिक जितनी जितनी चीजें हैं, बौद्धिक क्षमता के लिए, मानसिक क्षमता के लिए, शारीरिक क्षमता के लिए, भावनात्मक क्षमता के लिए और आध्यात्मिक क्षमता के लिए, इन क्षमता का विकास करने के लिए या फिर इन क्षमता को जीवन में बढ़ाने के लिए हम योग करते हैं। तो योग का मूल लक्ष्य वैसे कैवल्य की प्राप्ति है, लेकिन और एक लक्ष्य ले जाए तो दुखों से मुक्ति, दुखों से निवृत्ति, दुखों से निवृत्ति। तो हम लोगों के लिए यह सबसे सही है, दुखों से निवृत्ति। हम कैवल्य प्राप्ति भले ही ना कर जाएं, लेकिन हम दुखों से निवृत्त हो जाएं,